कोल्हापुर से आया हूँ। हमारी जो मांग है 3000 और महंगाई भत्ता, वो जावड़ेकर ने पिटीशन किया था और जावड़ेकर अभी बोलते हैं 1000 किया है, 1000 उनको उन्होंने नहीं किया है, 1000 कांग्रेस सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा जाते जाते किया लोगों की मांग की तरफ। उन्होंने 6 महीने हमारे कटौती की और एक इन्होंने लागू किया। हमारी मांग है ये नहीं, हमारी पूरी नहीं की तो हम उनको वोट देंगे, बीजेपी को और उनके मित्र पक्ष को वोट नहीं देंगे, ये हमारा नारा है। 1200 रुपया किसी, हमने 30 साल से नौकरी किया, पूरा बुढ़ा हो गया, देखो बैठा वो आदमी 60 साल से ऊपर है, हम बूढ़े लोग होके वही हमने यहाँ पर आकर बैठने पड़ा। ये सरकार की बड़ी गंदी आदत है कि हम अगली 19 साल में तो जो वोट हो रहा है उसमें हमने वोट नहीं करेंगे ये सरकार को, ये हमारी हमारा कम से कम 5000 रुपया मिलना चाहिए। कर्मचारी है वो जो अभी सरकार ने बनाया था कुशेर कमेटी का, उनको जो करना था निर्णय उसने नहीं किया, इसलिए सब पेंशनर नाराज है। 3000 में कुछ नहीं होता। अभी हमारी मांगे 9000 महंगाई भत्ता दो, सब जगह महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार कुछ देखता नहीं। इतने मजदूर हालत में 60 लाख मजदूर है, इसकी पेंशन की ज़रूरत ज़्यादा है, वो नहीं देख सकते, इसलिए हमने 9 कुशेर 9 वोट ऐसा निर्णय लिया है। मेरा नाम MR मोराले है। मैं 32 साल ST में नौकरी करी, पेंशन सिर्फ 1800 रुपये, दोनों बूढ़ा बूढ़ी कैसे गुजरेंगे। इनका नौकर कपड़े जो साफ करता है उसको 15000 पेंशन है, कम से कम कपड़े साफ करने का और बूट पॉलिश करने का मंत्री का वो तो हमारे को दे दो। पूरे उम्र में हम उनका आभार रहेंगे। मोदी जी को हमारी दरखास्त है कि कम से कम 15000 रुपये पेंशन हमारे को बूढ़ा बूढ़ी को दिलाओ, नहीं तो वोट 19 का वोट हम नहीं करने वाले। हम लोग वो सब तो ठीक ठाक है जो विचार सीखती है, ये दुनियादारी के बताने के बसाने में उसका का योगदान हुआ है। वो लोगों को आज 1000 रुपये पेंशन में गुजरान करनी पड़ती है, हम भूखे पासे मरे रहे। आज मोदी साहब से और प्राइम मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से यही विनंती है कि कृपा करके हमें जिंदा रखने की कोशिश करिए, थिंक टैंक सोचिए, थिंक टैंक के बारे में सोचिए और ये हिंदुस्तान के आगे बढ़ोतरी में जिसने योगदान किया हुआ है, जिसने खून पसीना एक किया है, वो लोगों के बारे में थोड़ी बहुत इंसानियत बताइए और उसे खाने की मौसत दीजिए। इतनी विनंती करने के वास्ते EPS 95 के सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं खुद रमेश सूर्यवंशी महाराष्ट्र के नासिक जिले में से आया हूँ, हम किसान के बेटे हैं, किसानों के फसल को भाव नहीं है, फसल में कुछ मिलता नहीं है, पेंशन मिलती नहीं है, आज जीना हराम हो जाए ले करके दोबारा और विनंती करता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मोदी साहब अगर ये वक्त में नहीं हुआ तो 2019 के किंग मेकर हम हैं।